क्या सत्यमेव जयते के सिक्वल में जॉन अब्राहम निभाएंगे ट्रिपल रोल? एवेंजर्स सुपर हीरो हल्क जैसी बॉडी बनाने के लिए जॉन को क्यों बोला गया? कोरोना का फायदा जॉन अब्राहम को कैसे मिल रहा है? आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म सत्यमेव जयते का सिक्वल काफी समय से चर्चा में है। पिछले दिनों खबर आई कि मिलाप जावेरी निर्देशित फिल्म में एक्शन स्टार ट्रिपल रोल में नजर आएंगे। अब जाकर के मिलाप जावेरी ने इस खबर पर चुप्पी तोड़ी है। इसी साल फरवरी में जब जॉन अब्राहम को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मिलाप अभी भी कुछ किरदारों पर काम कर रहे हैं और वो मुझे अन्य भूमिका निभाने के लिए पसंद कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पर काफी चर्चा होना बाकी है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फिल्म में भूमिका एक होगी, दो होगी या तीन होगी। हाल ही में जब मिलाप जावेरी से फिल्म में जॉन के ट्रिपल रोल निभाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा, यह सच नहीं है। सत्यमेव जयते 2 में एक बार फिर जॉन अब्राहम शानदार एक्शन करते हुए नजर आएंगे और कहा जा रहा है कि जॉन इस फिल्म में हल्क जैसी बॉडी बना रहे हैं। हाल ही में पागलपंथी एक्टर ने एवेंजर्स सुपर हीरो हल्क की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि मिलाप जावेरी ने ये बेंचमार्क सेट किया है। कोरोना की वजह से मिले इस ब्रेक में अपनी बॉडी पर काम करूंगा। सत्यमेव जयते 2 साल 2018 में आई हिट फिल्म सत्यमेव जयते की सिक्वल है। फिल्म इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए, क्या जॉन अब्राहम की ये फिल्म 200 करोड़ की फिल्म होगी? और दोस्तों, अगर आपको कोई भी बॉलीवुड से रिलेटेड सवाल पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब अति शीघ्र देने की कोशिश करेंगे।